कहीं हो? मुझे आंगली दे दियो तुम। हेलो, बोलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हैं? मेरे को बोल रही है हमारी गुड़िया, आओ मेरे पटकाना लेके ले। कैसे क्या करो तो गाइस आज हम आए हैं जयपुर के सबसे बड़े मॉल में, जयपुर द मॉल ऑफ जयपुर। बड़ा शानदार सा है, बड़ा सारा। और हमने गाड़ी पार्क की है नो पार्किंग में। ये देखो वाहन, इधर ही स्वयं जी वो रही है हमारी गाड़ी इधर। अब चलते हैं अंदर, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं इसके अंदर। खतरनाक है वैसे तो ये। मेरे को क्या पजामे लेने हैं बहुत सारे, इसीलिए यहाँ बच्चों को खेलने की आगे बाहर जगह है। और ये ओपन हो चुका और सूखले से जाइए हम रहे। ये देखो कैसे डॉन की तरह, ये डॉन रक्षे लेने जा रहा है। अच्छा पूछो जरूर गाइस, ये चल रहे हैं हम इसके बेसमेंट में। खतरनाक है रू, मार्बल लगा हुआ इसमें, टाइल्स नहीं है। वाओ लुकिंग गुड। तो गाइस ये है इसका थोड़ा सा एलिवेशन, ऊपर रूफ टॉप रेस्टोरेंट है। ये इसकी एंट्री है इधर से, खतरनाक एंट्री है। हम इसी एंट्री से अंदर गए थे, ये दोनों भी इसी एंट्री से अंदर गए थे। अरे इसी एंट्री से गए थे ना अंदर? हाँ, उसी एंट्री से आए थे, इसी एंट्री से। तो गाइस यहाँ तो लिफ्ट भी है। अरे ये बता दो तुम दोनों, इसको क्या बोलते हैं जो ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताना? बता अरे बता रहे, लिफ्ट थोड़े नहीं, क्या बोलते हैं इसको? नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं एक्सीलेटर। हाँ तो यहाँ पे भी एक्सीलेटर है पूरा। गाइस हम वहाँ जा रहे हैं जुगरू, मिल गया हमको हमारा पजामे वाला। पहले तो वैशाली में शॉप थी इसकी, अब इधर आ गया तो यहीं से लेते हैं पजामे। तो गाइस यहाँ कुछ मिला ही नहीं, हम तो लेने के लिए आए थे शायद सामान। अब देख धूप से बाहर निकलते कितना अजीब सा लग रहा हूँ। गाड़ी वो खड़ी, इसको ये डर लग रहा था मेरी गाड़ी पुलिस वाले ना उठा ले जाए। अब तो आ गए, अब तो पुलिस वाले नहीं ले जा सकते, भाग के जाके बैठ जाएंगे गाड़ी के अंदर। तो गाइस अब चलते हैं घर पे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं हमको। तो गाइस शॉपिंग करके अब जा रहे हैं घर पे, कुछ मिला नहीं यहाँ पे। जिस चीज देखने के लिए आए थे ना वो चीज़ तो मिली नहीं, और अब क्या करें। तो आप चलते हैं घर पे। गाइस अब मेरे को टाइम मिला है नहाने का, अभी बज कितने रहे हैं बताता हूँ आपको। बज रहे हैं ये देखो 5 बजने के अंदर 20 मिनट है, अब जाके नहाने का टाइम मिला है मेरे को। टाइम ही नहीं मिला, खाना तो सुबह से मैंने खाया ही नहीं, क्या करूँ। और फिर अब जैसे ये बात बोलो ना किसी को, अरे तूने किया क्या था, काम भी नहीं दिखता। काम तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन दिखता नहीं है किसी को मेरा काम। चलो कोई बात नहीं दिखने दो। तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग किरण ने कह दी थी सुबह, तो मैंने उसका ब्लॉग में उसी का एडिट करूंगा आगे। मैंने आके पूछा बोले तुमने कुछ ब्लॉग बनाया क्या? उसने बोला हाँ मैंने गुड मॉर्निंग कहा था। मैं कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, खुशी होगी। तो ना दो के मैं रेडी हो गया बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कैसा लगा ये देखो, मेरे पे इसको देख के प्रेम कुछ चिढ़ाता है, बोले भैया क्या लिख रखा है ये? मैं बोलता हूँ व्हाट्सअप। कैसा, बढ़िया ना? तो गाइस आज जिम नहीं जाएंगे सारे के सारे, तो दिखाता हूँ किरण बच्चों के, किरण के एक्साइटमेंट। तो बहुत दिनों बाद में जिम नहीं जाएंगे, क्यों क्या मैडम जिम नहीं जाओगी? मैं जाऊंगी ना जल्दी, जिम ना होगा ना तो जाऊंगी, नहीं जाऊंगी जल्दी। जिम ना होगा तो जाओगी तो नहीं जाओगी? हाँ बहुत सारी काम की चीजें मिल जाएंगी, इसीलिए। तो नॉन वेज का मतलब समझ लो गाइस तीतरियां, क्योंकि मौसम ऐसा भी तीतरियां खाने के अंदर पड़ी हुई मिलेंगी। तुरंत अभी शाम होते ही आने लग जाएगी, उनको भी खाने का टाइम है उनका भी। बिल्कुल बरसात होते हैं उनको मिलता है भोजन, इसीलिए। तो जिस लड़की को देखो कैसे किताब के अंदर ही खुशी हुई है, क्या करी तू? क्या बोला, सुनाई नहीं दिया किसी को? सुनाई दिया क्या? नहीं। तो जोर से बोल। काम कर रही हूँ, दिखती रहा क्या? नहीं दिख रहा, इसलिए पूछ रहा तू ज्यादा बोल रही है क्या? तो गाइस आजकल के बच्चे ना इतने से ये हो गए नहीं, जब इधर ढंग से है ना और है ना ऐसे बोलने लगे।
हैं? मेरी राइटिंग देखो, बहुत गंदी है। देखो गाइस, इसकी हैंड राइटिंग दिखाते हैं आपको। लिखा क्या है तुमने? देखिए, अब तो ये लिखा है शब्द और अर्थ। आगे लिखूंगी। अब लिखोगी बुक का? सॉरी, सॉरी। किरण क्या कर रही है? मेरे को मशीन की आवाज आ रही थी, मशीन चला रही थी। अभी देखे सिलाई कर रही है। क्या वो किस चीज की सिलाई कर रही है? रोज की रोज किस चीज की सिलाई करती है? ये देखो, ये सिलाई कर रही है। कहीं हो? मुझे आंगली दे दियो तुम्हार। कौन थोड़ी लाई थे? तो गाइस हो गया कांड। मैं तो देखा वीडियो बनाने। अरे अरे मेरे उमरी, तुम्हारे साथ तो मुझे कांड ही होते रहते हैं। अरे ये तुम्हारी चुनडी और गई। राहुल डिटोल ले रहा पटाखी। अरे कहीं देखिए डिटोल ले रहा, उसको मुंह में ले लो उंगली को। रो मत, सी जाएगा। तो यार वीडियो ले बंद कर। वीडियो अब वीडियो में कहीं डिटोल ले बो जाओ, मैं दोनों जाओ ना कहीं फायदा। बैंडेज ले, उसको बैंडेज कर दे। बैंडेज ले जा आंगली के लिए, बैंडेज कर दे। ले आऊं तो बैंडेज। तो गाइस बैंडेज ले जाके उसको थोड़ी बैंडेज लगाते हैं। और आप मतलब भैया आप रिलैक्स क्यों हो? क्योंकि वो लगती रहती है उसकी यार, वो जब देखो जब कुछ करती रहती है। मैं बैंडेज देख लेता हूँ। ये रही बैंडेज, अब लगाते हैं उसको पटाख से। ये लो बैंडेज, बैंडेज लगा लो, लो लगाओ। मैं नहीं लेकर नहीं कर रहा, तुम्हारी वीडियो नहीं बना रहा। लेकिन तुम जितनी जोर से चिल्ला रही थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा है खून तुम्हारी खून चमचमाई थी। हल्की सी सुई चुभी थी तुम्हारे जोर की लगी। नहीं अरे बैंडेज लगा देने, लगा देगी दिखा आंगली दिखा। ये अंगुली इसकी हमेशा फूटती रहती है। कुछ दिनों पहले इसी अंगुली के अंदर इसके ना वो निकला था लोया। बढ़िया तगड़ा कांड हुआ, मजा आ गया। इधर देखो, ये देखना मेरी तरफ, देखना मेरी तरफ, देखना मेरी तरफ, देखना। तुम रोती रहो यार, गिरती पड़ती रहती, लगती रहती इसके ना। और हमेशा ऐसे मुड़े यूं यूं बुला लेना ऐसे ऐसे। ये जैसे इतनी मोटी मोटी, मैंने जैसे मोटी आँखें निकाल के देखी ना, इतनी इतनी मोटी आँखें निकालती है। और कैसे पता नहीं क्यों काला काला लग रहा हूँ। अब ये हंसी है। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। बहुत जोर की बारिश हुई थी आज, वहाँ पे किरण के लगने के बाद में मैं सीधे से बारिश जैसे रुकी, मैं सीधे सिर से भाग के आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा काम धंधा यहीं पे है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका छोटा भाई हूँ यार, बड़ा भाई हूँ, कुछ भी मान के लाइक करें। आज तो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, स्वीट ड्रीम्स।